वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। ये हमारी पुरानी दिल्ली की फेमस मिठाई शाही तुकड़ा, जो बहुत ही आसानी से और बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए आज हम इस रेसिपी को बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मैंने ब्रेड की स्लाइस ली हूँ, ये 6 ब्रेड की स्लाइस है। अब इसे एक एक करके घी में तल लेंगे। देखिए हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसे एक एक करके तल लेंगे। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी तल सकते हैं। देखिए इसे अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने अपने बर्तन के हिसाब से इसे आधा आधा कर दिया था, बीच में से। देखिए अच्छे से आ जाए। देखिए ये हमारे बर्तन में, जिसे हमें जिसमें हमने मिठाई बनाना है, इसमें हमने सब पीस को तल तल के निकाल लिए। देखिए दोस्तों, अब हम बनाएंगे चाशनी। इसके लिए मैंने एक कटोरी शक्कर ली हूँ और एक कटोरी पानी। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। इसे अच्छे से चला के इसकी चाशनी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी चाशनी बन गई है। आप भी यही मेजरमेंट लीजिए, एक कटोरी शक्कर और एक कटोरी पानी, ताकि आपका भी सही बैठे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा येलो कलर, ताकि हमारी मिठाई का कलर बहुत अच्छा है। देखिए फ्रेंड, अब ये हमारी चाशनी बन चुकी है। इसे इस तरीके से देख लेंगे, ज़्यादा मतलब एक तार बनाएंगे, ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इस चाशनी को हम हमारी ब्रेड जो हमने तले थे घी में, उस पर डाल देंगे अच्छे से सब तरफ फैलाते हुए। देखिए देखिए फ्रेंड, अब हम बनाएंगे रबड़ी। इसके लिए एक कढ़ाई में हम सबसे पहले दूध लेंगे, फुल क्रीम दूध। और इसे अच्छी तरीके से चलाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अरारोट पाउडर। तो इसी में से थोड़ा सा दूध लेंगे और इसमें थोड़ा सा डाल के से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा दूध डाल के अरारोट पाउडर को मिक्स कर लेंगे और इसी दूध में हम अरारोट पाउडर डाल देंगे। देखिए इसमें अब हम 2 चम्मच दूध पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी रबड़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाए। इलायची पाउडर भी इसी में डाल देंगे। देखिए इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल देंगे, बस थोड़ी सी स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमारी ब्रेड तो ऑलरेडी मीठी रहती है,
ये देखिए हमारी रबड़ी। देखिए हमारी मिठाई शाही टुकड़े की ये दूध वाली लेयर तैयार हो चुकी है। देखिए दूध वाली लेयर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरीके से, इसे सब तरफ फैलाते हुए। ये हमारी दूध वाली लेयर इस तरीके से इस पर फैला देंगे। देखिए फिर इसे इस तरीके से ऐसा कर लेंगे। अब हमारी पूरा कर लेंगे। अब हमारी मिठाई तैयार है। पुरानी दिल्ली की फेमस मिठाई शाही टुकड़ा तैयार है। अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। थोड़ी सी मैंने ये इस पर टूटी फ्रूटी डाल दी। थोड़े से मैंने इसमें पिस्ते के टुकड़े भी डाल दिए। आप भी ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स।